आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि एक ट्राइपेप्टाइड का पूर्ण जल अपघटन करने पर हमें ग्लाइसिन, एलानिन और फेनिल और एलानिन प्राप्त होते हैं। तो हमें बताने की तीन अक्षर के संकेत का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ट्राइपेप्टाइड के सभी संभावित क्रम को यहाँ पर लिखिए। ये हमें यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रश्न में तीन अक्षर के संकेत का यहाँ पर प्रयोग करके हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर संभावित क्रम को यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर ट्राई पेप्टाइड का जब हम जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर एमिनो अम्ल के उत्पाद यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इनमें से होता है हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। हमें जो यहाँ पर उत्पाद जो प्राप्त होते हैं एमिनो अम्ल के, वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है हमारा ग्लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है दोस्तों कि तीन अक्षर के संकेत का प्रयोग करना है। तो ग्लाइसिन को हम तीन अक्षर के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे दोस्तों तीन अक्षर के रूप में GLY, ठीक है, ये होता है हमारा ग्लाइसिन। इसे हम तीन अक्षर के संकेत के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। एलानिन जो है, एलानिन, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे ALA, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगला कौन सा हो गया, अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर फेनिल एलानिन, ठीक है, ये हमारे पास है फेनिल एलानिन, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं फेनिल एलानिन को हम किस तरह से संकेत के रूप में लिखेंगे तीन अक्षर के, ये हो जाएगा हमारा PHE, ठीक है, फेनिल का क्या हो गया, PHE। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हमें कितने कितने संभावित क्रम है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें जो है छ ट्राई पेप्टाइड, ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्राई पेप्टाइड संभव होंगे, ठीक है, क्योंकि तीन पेप्टाइड यहाँ पर क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो हमारे जो है छ ट्राई पेप्टाइड संभव होंगे। किस तरह से होंगे, एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा बन सकता है वो क्या बन सकता है, हमारी संरचना हो जाएगी इस तरह से, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन एलानिन, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फेनिल एलानिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला संभव समावयवी। दूसरा किस तरह से हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों हमारी जो संरचना है वो परिवर्तित हो जाएगी, अब ये हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन, अब ये जो हमारा फेनिल है ये हमारा बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, दूसरा। इसी तरह से तीसरा जो बनेगा वो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलानिन, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारा ग्लाइसिन, इसके बाद होगा फेनिल एलानिन, ठीक है। चौथी जो हमारी बन जाएगी संरचना किस तरह से हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा एलानिन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फेनिल, इसके बाद हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। पांचवी किस तरह से बन सकती है, ये हो जाएगा हमारा फेनिल ग्लाइसिन एलानिन, ठीक है। छठवीं जो बनेगी वो बन जाएगी फेनिल एलानिन ग्लाइसिन, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन अक्षर के संकेत के तौर पे इसके सभी क्रम को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।